64 योगिनी आदि की प्रतिमाओं के लक्षण। श्री भगवान बोले, ब्रह्मन, अब मैं 64 योगिनियों का वर्णन करूंगा। इनका स्थान क्रमशः पूर्व दिशा से लेकर ईशान पर्यंत है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अक्षोभ्या, रुक्षकर्णी, राक्षसी, शपणा, शमा, पिकांक्षी, अक्षया, शेमा, इला, नीललया, लोला, रक्ता या लक्ता, बलाकेशी, लालसा, विमला, दुर्गा अथवा हुताशा, विशालाक्षी, हिंकरा या हुंकारा, वडवामुखी, महाक्रूरा, क्रोधना, भयंकरी, महानना, सर्वज्ञा, तरला, तारा, ऋग्वेदा, हयानना, सारा, रस संग्राही अथवा सुसंग्राही या रुद्र संग्राही, शबरा या शंबरा, तालजंगिका, रक्ताक्षी, सुप्रसिद्धा, विद्युदिया, करंगणी, मेघनादा, प्रचंडा, उग्रा, कालकर्णी, वरप्रदा, चंडा अथवा चंद्रा, चंडवती या चंद्रावली, प्रपंचा, प्रलयांतिका, शिशुवंचा, पिशाची, पिशितास्वलोलूपा, धमिनी, तपिनी, रागिणी अथवा वामिनी, विकृतानना, वायुवेगा, बृहत्कुक्षी, विकृता, विश्वरूपिका, यमजिह्वा, जयंती, दुर्जया, जयंतिका अथवा यमांतिका, विडाली, रेवती, पुतना तथा 64वीं विजयांतिका। योगिनियां 8 अथवा 4 हाथों से युक्त होती हैं, इच्छा अनुसार शस्त्र धारण करती हैं तथा उपासकों को संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। भैरव के 12 हाथ हैं, उनके मुख में ऊंचे दांत हैं तथा सिर पर जटा एवं चंद्रमा धारण करते हैं। उन्होंने एक ओर से 5 हाथों में क्रमशः खड्ग, अंकुश, कुठार, बाण तथा जगत को अभय प्रदान करने वाली मुद्रा धारण कर रखी है। उनके दूसरी ओर के 5 हाथ धनुष, त्रिशूल, खडवांग, पाशकार्ध एवं वर की मुद्रा से सुशोभित होते हैं। शेष 2 हाथों में उन्होंने गजचर्म ले रखा है। हाथी का चमड़ा ही उनका वस्त्र है और वे सर्पमय आभूषणों से विभूषित हैं। प्रेत पर आसन लगाए मातृकाओं के मध्य भाग में विराजमान हैं। इस रूप में उनकी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भैरव के 1 या 5 मुख बनाने चाहिए। पूर्व दिशा से लेकर अग्निकोण तक विलोम क्रम से प्रत्येक दिशा में भैरव को स्थापित करके क्रमशः उनका पूजन करें। बीज मंत्र को 8 दीर्घ स्वरों में से 1-1 के द्वारा भेदित एवं अनुस्वार युक्त करके उस दिशा के भैरव के साथ संयुक्त करें और उन सब के अंत में नमः पद को जोड़ें तथा ओम ह्राम भैरवाय नमः प्राच्याम, ओम हिम भैरवाय नमः ऐशान्याम, ओम हुम भैरवाय नमः उदिच्याम, ओम हे भैरवाय नमः वायव्ये, ओम है भैरवाय नमः प्रचितयाम, ओम है भैरवाय नमः नृमित्याम, ओम हम भैरयाम नमः अवाच्याम, ओम हम भैरवाय नमः आग्रेय्याम। इस प्रकार इन मंत्रों का क्रमशः उन दिशाओं में भैरव का पूजन करें। इन्हीं में से 6 बीज मंत्रों द्वारा षडंगन्यास एवं उन अंगों का पूजन भी करना चाहिए। उनका ध्यान इस प्रकार है: भैरव जी मंदिर अथवा मंडल के आग्नेय दल अग्निकोणास्थ दल में विराजमान सुवर्णमयी रसना से युक्त नाद बिंदु एवं इंदु से सुशोभित तथा मातृकाधापति अंग से प्रकाशित है। ऐसे भगवान भैरव का मैं भजन करता हूँ। वीरभद्र वृषभ पर आढ़ूर हैं, वे मातृकाओं के मंडल में विराजमान और 4 भुजाधारी हैं। गौरी 2 भुजाओं से युक्त और त्रिनेत्र धारिणी है। उनके 1 हाथ में शूल और दूसरे में दर्पण है। ललिता देवी कमल पर विराजमान है, उनके 4 भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में त्रिशूल, कमंडलू, कुंडी और वरदान की मुद्रा धारण करती हैं। स्कंद की अनुचरी मातृका गणों के हाथों में दर्पण और शलाका होनी चाहिए। चंडिका देवी के 10 हाथ हैं। वे अपने दाहिने हाथों में बाण, खड्ग, शूल, चक्र और शक्ति धारण करती हैं और बाएं हाथों में नागपाश, ढाल, अंकुश, कुठार तथा धनुष लिए रहती हैं। वे सिंह पर सवार हैं और उनके सामने शूल से मारे गए महिषासुर का शव है। लिंग आदि का लक्षण। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, कमलोद्भव, अब मैं लिंग आदि का लक्षण बताता हूं, सुनो। लंबाई के आधे में 8 से भाग लेकर 8 भागों में से 3 भागों को त्याग दें और शेष 5 भागों से चौकोर विषकंभिका का निर्माण कराएं।
फिर लंबाई के 6 भाग करके उन सबको 1, 2 और 3 के क्रम से अलग अलग रखें। इनमें पहला भाग ब्रह्मा का, दूसरा विष्णु का और तीसरा शिव का है। उन भागों में ये वर्धमान भाग कहा जाता है। चौकोर मंडल में कोण सूत्र के आधे माप को लेकर उसे सभी कोणों में चिन्हित करें। ऐसा करने से 8 कोणों का वैष्णव भाग सिद्ध होता है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर उसे 16 कोण और फिर 32 कोणों से युक्त करें। तत्पश्चात 64 कोणों से युक्त करके वहां गोल रेखा बनावे। तदनंतर श्रेष्ठ आचार्य लिंग के शिरोभाग का कर्तन करें। इसके बाद लिंग के विस्तार को 8 भागों में विभाजित करें। फिर उनमें से एक भाग के चौथे अंश को छोड़ देने पर छत्राकार सिर का निर्माण होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 भागों में समान हो। वो सम भाग वाला लिंग संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। देव पूजित लिंग में लंबाई के चौथे भाग से विष्कंभ बनता है। अब तुम सभी लिंगों के लक्षण सुनो। विद्वान पुरुष 16 अंगुल वाले लिंग के मध्यवर्ती सूत्र को, जो ब्रह्म और रुद्र भाग के निकटस्थ हैं, लेकर उसे 6 भागों में विभाजित करें। वह यमन सूत्रों द्वारा निश्चित जो वो माप है, उसे अंतर कहते हैं। वो सबसे उत्तरवर्ती लिंग है। जो सबसे उत्तरवर्ती लिंग है, उसे 8 जौ बड़ा बनाना चाहिए। शेष लिंगों को 1-1 जौ छोटा कर देना चाहिए। उपर्युक्त लिंग के निचले भाग को 3 हिस्सों में विभक्त करके ऊपर के एक भाग को छोड़ दें। शेष 2 भागों को 8 हिस्सों में विभक्त करके ऊपर के 3 भागों को त्याग दें। 5वें भाग के ऊपर से घूमती हुई एक लंबी रेखा बनावें और एक भाग को छोड़कर बीच में उन 2 रेखाओं का संगम करावें। ये लिंगों का साधारण लक्षण बताया गया। अब पिंडिका का सर्वसाधारण लक्षण बताता हूँ, मुझसे सुनो। ब्रह्म भाग में प्रवेश तथा लिंग की ऊंचाई जानकर विद्वान पुरुष ब्रह्मशिला के स्थापना करें और उस शिला के ऊपर ही उत्तम रीति से कर्म का संपादन करें। पिंडिका की ऊंचाई को जानकर उसका विभाजन करें। 2 भाग की ऊंचाई को पीठ समझे। चौड़ाई में वो लिंग के समान ही हो। पीठ के मध्य भाग में खात गड्ढा करके उसे 3 भागों में विभाजित करें। अपने मान के आधे त्रिभाग से बाहुल्य की कल्पना करें। बाहुल्य के तृतीय भाग से मेखला बनावें और मेखला के ही तुल्य खात गड्ढा तैयार करें। उसे क्रमशः निम्न नीचे झुका हुआ रखें। मेखला के 16वें अंश से खात निर्माण करें और उसी के माप के अनुसार उस पीठ की ऊंचाई, जिसे विकरांग कहते हैं, करावें। प्रस्तर का एक भाग भूमि में प्रविष्ट हो। एक भाग से पिंडिका बने, 3 भागों से कंठ का निर्माण कराया जाए और एक भाग से पट्टिका बनाई जाए। 2 भाग से ऊपर का पट्ट बने, 1 भाग से शेष पट्टिका तैयार कराई जाए। कंठ पर्यंत 1-1 भाग प्रविष्ट हो। तत्पश्चात पुनः 1 भाग से निर्गम जल निकलने का मार्ग बनाया जाए, यह शेष पट्टिका तक रहे। प्रणाल नाली के तृतीय भाग से निर्गम बनाना चाहिए। तृतीय भाग के मूल में अंगुली के अग्र भाग के बराबर विस्तृत खात बनावे, जो तृतीय भाग से आधे का विस्तार का हो। वो खात उत्तर की ओर जाए। ये पिंडिका सहित साधारण लिंग का वर्णन किया गया। लिंगमान एवं व्यक्ताव्यक्त लक्षण आदि का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं दूसरे प्रकार से लिंग आदि का वर्णन करता हूं, सुनो। लवण तथा धृत से निर्मित शिवलिंग बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। वस्त्र में लिंग ऐश्वर्यदायक होता है। उसे तात्कालिक, केवल एक बार ही पूजा के उपयोग में आने वाला लिंग माना गया है। मृतिका से बनाया हुआ शिवलिंग 2 प्रकार का होता है, पक्व तथा अपक्व। अपक्व से पक्व श्रेष्ठ माना गया है। उसकी अपेक्षा काष्ठ का बना हुआ शिवलिंग अधिक पवित्र एवं पुण्यदायक है। काष्ठमय लिंग से प्रस्तर का लिंग श्रेष्ठ है। प्रस्तर से मोती का और मोती से सुवर्ण का बना हुआ लोह लिंग उत्तम माना गया है। चांदी, तांबे, पीतल, रत्न तथा रस पारद का बना हुआ शिवलिंग भोग मोक्ष देने वाला एवं श्रेष्ठ है। रस पारद आदि के लिंगों को रांगा, लोहा, सुवर्ण, तांबा आदि तथा रत्न के भीतर आबद्ध करके स्थापित करें। सिद्ध आदि के द्वारा स्थापित स्वयंभू लिंग आदि के लिए माप आदि करना अभिष्ट नहीं है। बाण लिंग नर्मदेश्वर के लिए भी यही बात है, अर्थात उसके लिए भी वो इतने अंगुल का हो।
इस तरह का मान आदि आवश्यक नहीं है। वैसे शिवलिंगों के लिए अपने इच्छा के अनुसार पीठ और प्रासाद का निर्माण करा लेना चाहिए। सूर्यमंडलस्थ शिवलिंग को दर्पण में प्रतिबिंबित करके उसका पूजन करना चाहिए। वैसे तो भगवान शंकर सर्वत्र ही पूजनीय हैं, किंतु शिवलिंग में उनके अर्चन की पूर्णता होती है। प्रस्तर का शिवलिंग एवं एक हाथ से अधिक ऊंचा होना चाहिए। काष्ठमय लिंग का मान भी ऐसा ही है। चल, शिवलिंग का स्वरूप अंगुल के मान के अनुसार निश्चित करना चाहिए तथा स्थिर लिंग का द्वार मान, गर्भ मान एवं हस्त मान के अनुसार। ग्रह में पूजित होने वाला चल लिंग एक अंगुल से लेकर 15 अंगुल तक का हो सकता है। द्वारमान से लिंग के 3 भेद हैं। इनमें से प्रत्येक के गर्भमान के अनुसार 9-9 भेद होते हैं। इस तरह कुल 27 हुए। इनके अतिरिक्त कर्मान से 9 लिंग और हैं। इनकी देवालय में पूजा करनी चाहिए। जो इस प्रकार सबको एक में एक जोड़ने से 36 लिंग जानने चाहिए। ये ज्येष्ठमान के अनुसार है। मध्यमान से और अधम कनिष्ठ मान से भी 36-36 शिवलिंग हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार समस्त लिंगों को एकत्र करने से 108 शिवलिंग हो सकते हैं। 1 से लेकर 5 अंगुल तक का चल शिवलिंग कनिष्ठ कहलाता है। 6 से लेकर 10 अंगुल तक का चल लिंग मध्यम कहलाता है तथा 11 से लेकर 15 अंगुल तक का चल शिवलिंग ज्येष्ठ जानने योग्य है। महामूल्यवान रत्नों का बना हुआ शिवलिंग 6 अंगुल का, अन्य रत्नों से निर्मित शिवलिंग 9 अंगुल का, स्वर्ण भार का बना हुआ 12 अंगुल का तथा शेष वस्तुओं से निर्मित शिवलिंग 15 अंगुल का होना चाहिए। लिंग शिला के 16 अंश करके उसके ऊपरी 4 अंशों में से पार्श्ववर्ती 2 भाग निकाल दें, फिर 32 अंश करके उसके दोनों कोणवर्ती 16 अंशों को लुप्त कर दें, फिर उसमें से 4 अंश मिलाने से कंठ होता है। तात्पर्य ये है कि 20 अंश का कंठ होता है और उभय पार्श्ववर्ती 3×4=12 अंशों को मिटाने से ज्येष्ठ चल्लिंग बनता है। प्रासाद की ऊंचाई के मान को 16 अंशों में विभक्त करके उसमें से 4, 6 और 8 अंशों वाला क्रमशः हीन, मध्यम और ज्येष्ठ द्वार निर्मित होता है। द्वार की ऊंचाई में से 1/4 कम कर दिया जाए तो वो लिंग की ऊंचाई का मान है। लिंग शिला के गर्भ के आधे भाग तक की ऊंचाई का शिवलिंग अधम कनिष्ठ होता है और 3×5=15 अंशों के बराबर की ऊंचाई का शिवलिंग ज्येष्ठ कहा गया है। इन दोनों के बीच में बराबर की ऊंचाई पर 7 जगह सूत्रपात सूत द्वारा रेखा करें। इन 9 सूतों में से 5 सूतों की ऊंचाई के माप का शिवलिंग मध्यम होगा। लिंगों की लंबाई या ऊंचाई उत्तरोत्तर 2-2 अंश के अंतर से होगी। इस तरह लिंगों की दीर्घता बढ़ती जाएगी और 9 लिंग निर्मित होंगे। यदि हाथ के माप से 9 लिंग बनाए जाएं, तो पहला लिंग 1 हाथ का होगा, फिर दूसरे के माप में पहले से 1 हाथ बढ़ जाएगा। इस प्रकार जब तक 9 हाथ की लंबाई पूरी ना हो जाए तब तक शिला या काष्ठ की माप में 1-1 हाथ बढ़ाते रहेंगे। ऊपर जो हीन, मध्यम और उत्तम 3 प्रकार के लिंग बताए गए हैं, उनमें से प्रत्येक के 3-3 भेद हैं। बुद्धिमान पुरुष 1-1 लिंग में विभाग पूर्वक 3-3 लिंग निर्माण करावे। 6 अंगुल और 9 अंगुल के शिवलिंगों में भी 3-3 लिंग निर्माण करावे। स्थिर लिंग द्वारमान, गर्भमान तथा हस्तमान, इन 3 दीर्घ प्रमाणों मापों के अनुसार बनाना चाहिए। उक्त 3 मापों के अनुसार ही उसकी 3 संख्याएं हैं, भगेश, जलेश और देवेश। विष्कंभ विस्तार के अनुसार लिंग के 4 रूप लक्षित करें। दीर्घ प्रमाण के अनुसार संपादित होने वाले 3 रूपों में निर्दिष्ट लिंग को शुभ आय आदि युक्त करके निर्मित करावे। उक्त त्रिविध लिंगों की लंबाई 4 या 8 हाथ की हो, यह अभिष्ट है। ये क्रमशः त्रितत्व रूप अथवा त्रिगुण रूप हैं। लिंग जितने हाथ का हो उसका अंगुल बनाकर आय संख्या 8, स्वर संख्या 7, भूत संख्या 5 तथा अग्नि संख्या 3 से पृथक पृथक भाग दें। जो शेष बचे उसके अनुसार शुभाशुभ फल को जाने। ध्वजादि आयों में से ध्वज, सिंह, हस्ती और वृषभ ये श्रेष्ठ हैं। अन्य 4 आय अशुभ हैं। 7 संख्या से भाग देने पर जो शेष बचे उसके अनुसार स्वर का निश्चय करें। स्वरों में षडज, गांधार तथा पंचम शुभदायक हैं।
पांच से भाग देने पर जो शेष बचे उसके अनुसार पृथ्वी आदि भूतों का निश्चय करें। भूतों में पृथ्वी ही शुभ है। तीन से भाग देने पर जो शेष रहे तदनुसार अग्नि जाने। अग्नियों में आहवनीय अग्नि ही शुभ है। उक्त लिंग की लंबाई को आधा करके उसमें आठ से भाग देने पर यदि शेष सात से अधिक हो तो वो लिंग आढ्य कहा जाता है। यदि पांच से अधिक शेष रहे तो वो अनाढ्य है। यदि छह अंश से अधिक शेष हो तो वो लिंग देवेज्य है और तीन अंश से अधिक शेष हो तो उस लिंग को अक्रतुल्य माना जाता है। ये चारों ही प्रकार के लिंग चतुष्कोण होते हैं। पांचवा वर्धमान संज्ञक लिंग है। उसमें व्यास से नाह बढ़ा हुआ होता है। व्यास के समान नाह एवं व्यास से बढ़ा हुआ नाह। इस प्रकार इन लिंगों के दो भेद हो जाते हैं। विश्वकर्म शास्त्र के अनुसार इन सब के बहुत से भेद बताए जाएंगे। आढ्य आदि लिंगों के स्थूलता आदि के कारण तीन भेद और होते हैं। उनमें एक एक यव की वृद्धि करने से वे सब आठ प्रकार के लिंग होते हैं। फिर हस्तमान से जिन संज्ञक लिंग के भी तीन भेद होंगे उसको सर्वसम लिंग में जोड़ लिया जाएगा। अनाढ्य देवाचर्चित तथा अक्रतुल्य में भी पांच पांच भेद होने से ये 25 होंगे। ये सब एक जिन और भक्त भेद से 75 हो जाएंगे। सबका आकलन करने से 15,400 शिवलिंग हो सकते हैं। इसी तरह आठ अंगुल के विस्तार वाला लिंग भी एक अंगुल मान हस्तमान एवं गर्भमान के अनुसार 9 भेदों से युक्त है। सबके कोण तथा अर्ध कोणस्थ सूत्रों द्वारा कोणों का छेदन विभाजन करें। लिंग के मध्य भाग के विस्तार को ही प्रत्येक विभाग का विस्तार मानकर तदनुसार मध्य ऊर्ध्व और अधः इन विभागों की स्थापना करें। मध्यम विभाग से ऊपर का अष्टकोण या षोडश कोण वाला विभाग शिव का अंश है। पाद या मूल भाग से जानु पर्यंत लिंग का अधो भाग है, ये ब्रह्मा का अंश है तथा जानु से नाभि पर्यंत लिंग का मध्यम भाग है जो भगवान विष्णु का अंश है। मूर्धांत भाग भूत भागेश्वर का है। व्यक्त अव्यक्त सभी लिंगों के लिए ऐसी ही बात है। जिस शिवलिंग में पांच लिंग की व्यवस्था है वहां शिरोभाग गोलाकार होना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। वो गोलाई शात्राकार हो, मुर्गी के अंडे के समान हो, नवोदित चंद्र के सदृश हो तथा पुरुष के आकार की हो। पुरुषाकृति के स्थान में त्रिपुषाकृति पाठ हो तो गोलाई त्रिपुष के समान आकार वाली हो, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। इस प्रकार एक एक के चार भेद होते हैं। कामनाओं के भेद से इनके फल में भी भेद होता है, ये बताऊंगा। लिंग के मस्तक भाग का विस्तार जितने अंगुल का हो उतनी संख्या में आठ से भाग दें। इस प्रकार मस्तक को आठ भागों में विभक्त करके आदि के जो चार भाग हैं उनका विस्तार और ऊंचाई के अनुसार ग्रहण करें। एक भाग को छांट देने से पुंडरिक नामक लिंग होता है। दो भागों को लुप्त कर देने से विशाल संज्ञक लिंग होता है। तीन भागों का उच्छेद कर देने पर उसकी श्रीवस्त संज्ञा होती है तथा चार भागों के लोपने से उस लिंग को शत्रुकारक कहा गया है। शिरोभाग सब ओर से सम हो तो श्रेष्ठ माना गया है। देव पूज्य लिंग में मस्तक भाग कुक्कुट के अंड की भांति गोल होना चाहिए। चतुर्भागात्मक लिंग में ऊपर का दो भाग मिटा देने से त्रिपुष नामक लिंग होता है। ये त्रिपुष अनाढ्य संज्ञक शिवलिंग का सिर माना गया है। अब अर्धचंद्राकार सिर के विषय में सुनो। शिवलिंग के प्रांत भाग में एक अंश के चार अंश करके एक अंश को त्याग दिया जाए तो वो अमृताक्ष नाम धारण करता है। दूसरे तीसरे और चौथे अंश का लोप करने पर क्रमशः उन शिवलिंगों की पूर्णेंदु बालेंदु और कुमुद संज्ञा होती है। ये क्रमशः चतुर्मुख त्रिमुख और एकमुख होते हैं। इन तीनों को मुखलिंग भी कहते हैं। अब मुखलिंग के विषय में सुनो। पूजा भाग की त्रिविध कल्पना करनी चाहिए, मूर्ति पूजा अग्नि पूजा तथा पद पूजा। पूर्ववत द्वादशांतक का त्याग करके छह भागों द्वारा छह स्थानों की अभिव्यक्ति करें। सिर को ऊंचा करना चाहिए तथा ललाट नासिका मुख चिबुक तथा ग्रीवा भाग को भी स्पष्टतया व्यक्त करें। चार भागों या अंशों द्वारा दोनों भुजाओं तथा नेत्रों को प्रकट करें। प्रतिमा के प्रमाण के अनुसार मुकुलाकार हाथ बनाकर विस्तार के अष्टमांश से चारों मुखों का निर्माण करें। प्रत्येक मुख सब ओर से सम होना चाहिए, ये मैंने
चतुर्मुख लिंग के विषय में बताया, अब त्रिमुख लिंग के विषय में बताया जाता है। सुनो, त्रिमुख लिंग में चतुर्मुख की अपेक्षा कान और पैर अधिक रहेंगे, ललाट आदि अंगों का पूर्ववत ही निर्देश करें, चार अंशों से दो भुजाओं का निर्माण करें जिनका पिछला भाग सुदृढ़ एवं सपुष्ट हो, विस्तार के अष्टमांश से तीनों मुखों का विर्गमन प्राकट्य हो। अब एक मुखलिंग के विषय में सुनो, एक मुख पूर्व दिशा में बनाना चाहिए, उसके नेत्रों में सौम्य भाव रहे, उग्रता ना हो, उसके ललाट नासिका मुख और ग्रीवा में विवर्तन विशेष उभाड़ हो, बाहु विस्तार के पंचमांश से पूर्वोक्त अंगों का निर्माण करें। एक मुख लिंग को बाहु रहित होना चाहिए, एक मुख लिंग में विस्तार के छठे अंश से मुख का निर्गमन हितकर कहा गया है। मुखयुक्त जितने भी लिंग हैं उन सब का शिरोभाग त्रिपुषाकार या कक्कुटांड के समान गोलाकार होना चाहिए।